हेलो शॉपर्स, वेलकम टू टेक शॉपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक सेल के बारे में सोच रहे हो कि एक सेल मिल जाए जहां पे आप शॉपिंग कर पाओ, तो आज कुछ अपकमिंग सेल्स के बारे में बात करेंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन की, जो कि लेटेस्ट अपडेट्स होंगी। साथ ही में कुछ प्रेजेंट सेल के बारे में बात करेंगे, जो ऑलरेडी चल रही है क्या उनमें कुछ लेना चाहिए, कि टाइम पास से सेल है, सब कुछ जो है आपको डिटेल में क्लियर करने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी प्रोडक्ट सर्विस को लेकर, नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में, अपना दिल खोल के डिटेल में लिखो, कोई भी कमेंट हो तो आप जो है अपना डाउट लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट Q&A में आपका जो है क्वेश्चन जरूर से लिया जाएगा। आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर देना, और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना फॉर फ्रेश अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फ्लिपकार्ट को स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको एक विंटर फेस्ट देखने को मिल जाएगी। एक सेल है जो कि 23 से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगी। कुछ एक तमाम कार्ड्स जिनके जो है क्रेडिट कार्ड पे आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फेडरल बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, जहाँ पे वन कार्ड पे आपको 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अब ये कार्ड्स लोगों के पास, देखो HDFC के कार्ड तो हो सकता है, बट बाकी सारे कार्ड्स थोड़े कमी मतलब होते हैं, लोगों के पास इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। तो आपके लिए ये सेल मतलब एक तरीके से टाइम पास सेल है, जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से निकाल दी गई है, और इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है क्रेडिट कार्ड का ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जो भी लोग अर्जेंसी में कुछ लेना चाहते हैं, वैसे तो ये ऑल कैटेगरी पे अप्लाई हो रही है सेल, बट अगर आपको अर्जेंट कुछ चाहिए तभी लेना, अदरवाइज़ आप इस सेल को स्किप कर सकते हो और जो आगे आने वाली सेल है उसको तरफ थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। ये सेल होने वाली है द रिपब्लिक डे सेल। तो ये फ्लिपकार्ट पे काफ़ी बड़ी सेल आने वाली है, सारी ही कैटेगरीज पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। देखो, जो बिग सेविंग डेज है या रिपब्लिक डे सेल है, ये कंबाइन होके भी आ सकती है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कुछ ऐसा ही हो रहा है। 4 से 5 दिन के लिए तबाकेदार, आप ये कह सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त आपको ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। चाहे अपना लैपटॉप, टीवी, फ़ोन कुछ भी लेना है आपने, वो आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। तो जो भी लोग यहाँ पे ख़रीदारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट सेल है, तो वो लोग यहाँ पे ख़रीदारी ज़रूर से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले और क्या क्या आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए, तो देखो अमेज़ॉन पे भी ये सेल आएगी, फ्लिपकार्ट पे भी आएगी, ठीक है। अभी फ्लिपकार्ट पे देखो कोई भी ऐसा मोबाइल ब्रांड सेल एक आनी चाहिए थी, अब विंटर फेस्ट आ गया, तो देखते हैं कि 25 दिसंबर के बाद क्या पता मोबाइल ब्रांड सेल भी आपको देखने को मिले, जिसमें आपको अच्छा जो है रिस्पॉन्स थोड़ा देखने को मिले। बाकी विंटर फेस्ट तो आप ये कह सकते हो बकवास सेल है, सब कुछ ही नॉर्मल प्राइस पे है, और क्रेडिट कार्ड भी ऐसे ऐसे दे रखे हैं मुश्किल से किसी के पास मिलेंगे। आप ये कह सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक का बहुत कम होगा, या फेडरल बैंक के बहुत कम होंगे लोगों के पास। चलिए अब बात कर लेते हैं अमेज़ॉन के बारे में। तो अमेज़ॉन पे आपको कौन सी सेल देखने को मिलेगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंड ऑफ द सीज़न सेल चल रही है, जिसमें जूते चप्पल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। वन कार्ड का यूज़ करते हो तो 3250 तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पर कोई सेल नहीं है, यहाँ पर मोबाइल लेना है हमें, तो मोबाइल्स पर भी आपको बताता हूँ। मोबाइल्स का अगर आप पेज खोलोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, स्मार्टफोन है नॉर्मल प्राइस पर, ठीक है, जो भी है यहाँ पर कार्ड ऑफर ही है, जो भी है वही सेल है एक किस्म से। बाकी ये कह सकते हो कि यहाँ पे ऑफ़र वगैरह दिए जा रहे हैं कार्ड पे, तो यानी अगर आपके पास येस बैंक है तो 5% का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, सबसे पहले तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 7.5% का। बाकी फ़ोन्स जितने भी मैंने चेक किए हैं सारे ही नॉर्मल प्राइस पे है, जैसे कि नॉर्मली जिनका प्राइस होता है वही है, कोई प्राइस कट आपको एडिशनल नहीं देखने को मिल रहा। किसी किसी फ़ोन पे आपको कूपन देखने को मिल रहा है, तो वो आप जो है अवेल कर सकते हो। बाकी देखो, किसी का बर्थडे है, किसी का कोई स्पेशल इवेंट है, आपको अर्जेंटली किसी को फ़ोन देना है, तब आप परचेस कर लें। अदरवाइज़ अगर आप वेट कर ही सकते हो रिपब्लिक डे सेल का नेक्स्ट मंथ तक का, तो वेट हमें करना ही चाहिए। अगर आपको ऐसे ही लेना है फ़ोन, अच्छी वैल्यू फॉर मनी के साथ लेना है, और आप चाहते हो कि मुझे पर्सनल यूज़ के लिए लेना है, मैं वेट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है नेक्स्ट मंथ के लिए रुक जाएं थोड़ा। इसके बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड पर भी 10% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो 3250 तक का डिस्काउंट है। अब ये कितना परसेंट है, किस पे कितना लगेगा, उस पे कोई भी एज सच आप ये कह सकते हो, जब आप प्रोडक्ट खरीदोगे एंड में जब आप चेकआउट करने जाओगे तभी आपको पता चलेगा। अब अगर हम बात कर ले सेल्स का, कुछ यही अपडेट्स थी जो कि मुझे आपको बतानी थी कि ये सेल्स चल रही हैं, इनमें कुछ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कोई भी अपने पैसे यहाँ पे बर्बाद ना करें, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।